आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल स्टॉक बाजार में। तो जैसा कि हम हर रोज ऐसे वीडियोस लाते हैं जिसमें आप कल कौन से इंट्राडे वाले स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो वो हम आपको बताते हैं। तो आज का वीडियो भी उसी के बारे में होने वाला है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कल के स्टॉक्स के बारे में। उसमें पहला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड हमने आपको कल भी दिया था एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला था। तो आज की अगर बात करें तो आज भी इसमें यहाँ पे राइजिंग मूविंग एवरेज चल रही है एंड उसके अलावा प्राइस भी उसी के आसपास क्लोज दिया है। तो अभी कल इसमें ग्रीन कैंडल बनती है तो जिस तरीके से हमने स्ट्रेटेजी में बताया है उस तरीके से आप उसमें ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाई कर सकते हो एंड ग्रीन कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि उसमें आप हमने आपको जो बताया है वो आपको पता लग सके एंड जो हम स्टॉक्स बताते हैं उसमें क्या करना है वो भी आप जान सके। अगला स्टॉक है हमारा अदानी टोटल गैस। तो यहाँ पे आप देखोगे मूविंग एवरेज राइजिंग चल रहा है एंड लास्ट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस सा बनता हुआ लास्ट आधे पौने घंटे में नज़र आया था। तो जब ये लेवल को ब्रेक करेगा तो उसके बाद यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। ये लेवल आप अगर देखना चाहो तो वो है 697 रुपये के आसपास। तो आप ज़रूर इसे मार्क करके रख सकते हो। आगे भी आप देखोगे यहाँ पे ही इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो वही सपोर्ट बना हुआ था। तो ये लेवल यहाँ पे कहीं ना कहीं कल के दिन क्रुशल रहने वाला है। अगला शेयर है यहाँ पे ओरो फार्मा। ओरो फार्मा में आप देखोगे मूविंग एवरेज राइजिंग है एंड प्राइस भी ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आया था। अभी रिसेंट में वो प्राइस मूविंग एवरेज के नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। तो कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर हमारे इसमें ज़रूर एंट्री बन सकती है। अगला स्टॉक देखें तो वो है सिप्ला। यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के बाद स्टॉक ने परफॉर्म किया है। स्टॉक भी काफ़ी ऊपर गया हुआ था। तो अब कल यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता है नीचे आते हुए तो फिर यहाँ पे हमारी एंट्री स्टॉक में बन सकती है। तो सिप्ला को भी आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा एंड साथ ही बता दें कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपके लिए ये स्टॉक लाते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो हमारी इसमें थोड़ी सी मेहनत भी लगती है तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़रा सा भी पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला स्टॉक है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में आप देखोगे प्राइस अभी तो काफ़ी ऊपर गया हुआ है लेकिन मूविंग एवरेज के नज़दीक अगर कल आता है एंड ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर हमारी इसमें एंट्री बन सकती है। यहाँ पे मोमेंटम लास्ट में काफ़ी अच्छा दिखा है तो कल आप इसे ज़रूर रडार पे रख सकते हो। अगला शेयर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में यहाँ पे लास्ट एक तो ग्रीन कैंडल बन चुकी है एंड उसके हाई के ऊपर भी शेयर निकला हुआ है। तो कल अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है नीचे वाली साइड पे तो फिर हमारी एंट्री बन सकती है जिसके कि चांसेस यहाँ पे कम लग रहे हैं। शेयर यहाँ से ही कल ऊपर निकलता हुआ नज़र आ जाने वाला है लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर हम इसको ज़रूर देख सकते हैं। अगला शेयर है यहाँ पे इंडस टावर। यहाँ पे हल्का सा मूविंग एवरेज राइजिंग होता हुआ स्टार्ट हुआ है एंड प्राइस भी नीचे आ रहा है। तो कल इसमें वैसे हर स्टॉक की तरह ग्रीन कैंडल का वेट एंड उसके बाद एंट्री बन सकती है। अगला शेयर देखें तो वो है भारत फोर्ज। यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, शेयर प्राइस भी उसके नीचे आ गया है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस रिजेक्शन इस कैंडल में भी दिखाया है एंड यहाँ पे भी दिखाया था। तो अब कल इसमें ग्रीन कैंडल के बाद आप अपनी एंट्री बना सकते हो। इसमें हमें शायद मौका मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगला शेयर देखें तो वो है DLF। उसमें भी भारत फोर्ज की तरह ही मूविंग एवरेज के पास रेड कैंडल बनाया हुआ है। तो अभी यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल कल बनती है पहले दो कैंडल में तो उसके बाद हम इसमें एंट्री ज़रूर बना सकते हैं। सन फार्मा में आप देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से राइजिंग है एंड शेयर आज भी काफ़ी अच्छी तरीके से उसको फॉलो किया हुआ है। तो कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम इसमें अपनी एंट्री बना सकेंगे जो कि यहाँ पे हमें शायद मौका मिल सकता है। अगला शेयर है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में ही सन फार्मा की तरह मूविंग एवरेज राइजिंग है। अभी प्राइस थोड़ा सा दूर है लेकिन जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है
उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती है। तो ये हमने कुछ स्टॉक्स बताए जिसमें आप कल इंट्राडे का मज़ा ले सकते हो, आपको इंट्राडे में प्रॉफिट बन सकता है। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अभी एक और काम कीजिएगा, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही अगर आपको इस स्ट्रेटेजी का पार्ट वन देखना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जा सकते हो, एंड पार्ट टू चाहिए तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके जा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो।